हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर. टुडे आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 12, इंटरजेक्शन. सो ओपन पेज नंबर 39. इंटरजेक्शन क्या होता है, एग्जांपल से समझते हैं पहले. जैसे कि यहाँ सेंटेंस में लिखा हुआ है, ब्रेवो, यू हैव डन वेल. तो यहाँ पे ये ब्रेवो वर्ड जो आया है, ये इंटरजेक्शन है. ओ व्हाट अ लाउड साउंड इट इज़. ओ क्या है ये, इंटरजेक्शन है. अलास माई डॉग इज डेड. तो ये अलास. जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और उससे हमारे जो चेहरे पे भाव आते हैं, वो इंटरजेक्शन होते हैं. जैसे कि हम किसी को शाबाशी देते हैं तो हम क्या कहते हैं, ब्रेवो. तो ब्रेवो क्या है, इंटरजेक्शन है, है ना. अगर हमें किसी चीज़ से परेशान है तो हम कहते हैं ओह, ठीक है. अगर हम दुख प्रकट करना है तो हम बोलते हैं अलास. जब हम खुशी प्रकट करते हैं तो हम बोलते हैं हुर्रे. तो वो सब क्या है, इंटरजेक्शन होते हैं ये सारे वर्ड्स, ठीक है. जैसे कि द वर्ड ब्रेवो एक्सप्रेस सडन ग्रीटिंग, अचानक से उन्होंने उसको शाबाशी दी, तो उसके लिए ब्रेवो. ओ वर्ड यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ से परेशान होते हैं, है ना, तब. और अलास हम जब यूज़ करते हैं दुख प्रकट करने के लिए, ठीक है, लास्ट वर्ड का यूज होता है. तो डेफिनेशन क्या है इंटरजेक्शन की, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड डैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ द माइंड. कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने कोई बहुत ही सुंदर चीज़ देखी और आपके मुंह से एकदम से निकलता है वाओ. तो ये सडन फीलिंग्स होती हैं जो अचानक से निकलती हैं, है ना. तो वही क्या होती हैं, इंटरजेक्शन होती हैं. ओके, तो ये डेफिनेशन आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है इंटरजेक्शन की. ओके स्टूडेंट्स, इंटरजेक्शन वे शब्द होते हैं जो अचानक से आई फीलिंग को क्या कहते हैं, व्यक्त करते हैं, भाव को बताते हैं. ओके तो ये इंटरजेक्शन की डेफिनेशन आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है. चैप्टर नंबर 12 लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसका नियम लिखेंगे इंटरजेक्शंस, उसके बाद आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज. एक्सरसाइज फिल करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द इंटरजेक्शन गिवन इन द बॉक्स. हमें यहाँ पे इंटरजेक्शन फिल करनी है और इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है. नंबर वन, डैश व्हाट एन अगली साइट. अब अगली यानी बेकार, भद्दी जिसको बोलते हैं, दृश्य है, क्या बेकार दृश्य है. तो हम अगर कोई चीज़ बेकार है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, ओह, ठीक है. नेक्स्ट है द बेबी इज़ स्लीपिंग. जब कोई बच्चा सो रहा होता है तो आपसे कहते होंगे या क्लास में बोलते हैं श करके बोलते हैं ना, हश. तो वो वर्ड आएगा यहाँ पर जब हम किसी को चुप रहने के लिए बोलते हैं. द बेबी इज़ स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है. नेक्स्ट डैश हाउ आर यू. जब हम किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो बोलते हैं, है ना. तो जब मिलने पर हेलो बोला जाता है, हेलो हाउ आर यू. ओके नेक्स्ट है डैश माई डियर पैट इज़ डेड. तो इसमें दुख प्रकट हो रहा है कि मेरा जो पैट है वो मर गया, है ना. तो हम यहाँ लिखेंगे अलास, ए एल ए एस, अलास. दुख प्रकट करता है ये वर्ड. नेक्स्ट है अवर स्कूल केम फर्स्ट इन द डुएट कॉम्पिटिशन. तो यहाँ पर क्या है, खुशी दिखाई जा रही है, खुशी प्रकट करने के लिए हुर्रा वर्ड यूज़ करते हैं. ओके, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. आपको अपनी नोटबुक में ये डेफिनेशन राइट करनी है. दिस इज़ योर होमवर्क एंड दिस इज़ आल्सो योर होमवर्क डू इन नोटबुक. ओके, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है और आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए. मिस्टेक्स कम कीजिएगा, अच्छे से देख के कीजिएगा. ओके, थैंक यू.